गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कल 360 का वेबिनार हुआ था, यूट्यूब पर लाइव किया गया था। दोस्तों ऐश ने कहा है, जीऊँगा रोज मरूँगा, ऑन पैसिव के लिए काम करूँगा, डू एंड डाई का फार्मूला है। दोस्तों ऑन पैसिव के अंदर बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। एस सर ने एप्लीकेशंस दिखाई थी और बताया था कि कुछ कमी थी, हमने उसको रेक्टिफाई किया है, हर चीज़ को अपडेट किया जा रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये सब आने वाला है। दोस्तों बात यहाँ पे लगातार हो रही है कि ऑन पैसिव में अभी तक क्या हुआ है। ऑन पैसिव में आजकल सबसे ज़्यादा एक हैशटैग वायरल हो रहा है, और वो हैशटैग वायरल क्यों हो रहा है इसके लिए लोग मंथन लगातार कर रहे हैं। ऐसे सर्वे चिंतित हैं उस बात को लेकर के। हैशटैग है कि हैशटैग स्टैंड फॉर सिंगल आईडी, एक तो ये हैशटैग चल रहा, और अभी तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग जो हम लोगों ने देखा तो वो था हैशटैग बिन विद ऑन पैसिव। जी हाँ, ये ऑन पैसिव कॉन्टेस्ट के लिए लिखा गया था और इसको बहुत लोगों ने वायरल किया था, और ये एक पॉजिटिव संकेत था। और उसके बाद जो अब सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला है, जो हो रहा है वो है हैशटैग स्टैंड फॉर सिंगल आईडी। आखिर ये क्यों कहा गया है, जबकि $97 की वैल्यू एक समान है ना, एक रुपए कम ना एक रुपए ज़्यादा। और फिर जितना बोला गया $97 ने उतना ही काम किया। जी हाँ, ये $97 कोई और नहीं, ये फाउंडर है। फाउंडर्स की वैल्यू $97 से स्टार्ट हुई थी और अब बहुत जल्दी अरबों खरबों में बदलने वाली है। आपकी $97 की वैल्यू आपको कहाँ लेके जाएगी, बहुत जल्दी आप मैग्नेट बन जाओगे इस $97 के साथ। दोस्तों 360 के वेबिनार में सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए, और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ऐसा ने कहा था कि आप इसकी अभी सेल्फी ले सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं कि हमने क्या बनाया है, कितना हम लोग वर्क कर चुके हैं। बहुत जल्दी इस पर टॉपिक पर आप लोगों के सामने आना है। विद इन ए वीक इन चीज़ों को लेकर के आए। मुझे लगता है कि सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन आएगा, और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो ओ वॉलेट है वो दिखाया गया था कि इतना खूबसूरत ओ वॉलेट दिखाई दे रहा, और जब उसमें हमारा पेमेंट्स गिरेंगे आकर के स्टोर होंगे तब और ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। और ये कब होगा, जब एप्लीकेशन आ जाएगा ओ वॉलेट में $97 दिखाई दे जाएंगे, और जब $97 दिखाई दे जाएंगे तो फिर ओ वेरीफाई होगा, और ओ वेरीफाई होते वो $97 सीधा हमारे सेकंड वॉलेट, जिसको विड्रॉल पोर्शन कहेंगे कि एक है नॉन विड्रॉवल और दूसरा है विड्रॉवल, तो विड्रॉवल वॉलेट में जब जाएगा पैसा तभी आप उससे पैकेज बाय कर पाएंगे। बाकी आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं $143, वो भी सीधा उसी वॉलेट में जा कर के स्टोर होगा। और अब वहाँ से टोटल कैलकुलेशन करने के बाद $97 + $10 और आपका $143 सब जब वहाँ पर पहुँचेगा तो वो आपको पैकेज बाय करने में मदद करेगा। और जैसे ही आप पैकेज बाय कर लेंगे फिर आप देखिए उसकी वैल्यू क्या होती है। हर व्यक्ति को कमीशन्स आएंगे, आपकी टीम बड़ी है छोटी बड़ी है, इस पर चर्चा लगातार चल रही है। लोग ये चाहते हैं कि अब क्योंकि जब सब फाउंडर समान है, एक ही रूप है, सबने समान रूप से मेहनत की है, तो फिर और कुछ लोगों को बोला भी गया था कि आपको टीम नहीं बनानी, आपकी सिंगल आईडी है, मल्टी आईडी है, आपको यहाँ ऑन पैसिव में मायने नहीं रखती है, आप सब एक समान हो, एक इक्वल है, सिंगल आईडी भी उतना ही काम करेगी जितनी कि मल्टी आईडी है। तो इसका मतलब तो ये समझा जा रहा था कि सबको कमीशन समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यदि अगर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये सभी फाउंडर साथियों के लिए न्याय की बात होगी। मगर जिनकी बड़ी टीम है वो शायद वो ये नहीं चाहेंगे कि सबको समान रूप से कमीशंस मिले और सबको समान बेनिफिट्स मिले। वो अपनी टीम बता रहे हैं, लाखों पे टीम है, किसी की कुछ है, वो डे वन से अपने 50 लाख का चेक देखने की कोशिश में लगे हुए हैं।
मगर बाकी फाउंडर्स को आपने क्यों रोका, ये प्रश्न लगातार चल रहा है कि जो भी ऑन पैसिव में आया यही का यू आर इन इट टू बिन इट, आप अंदर आ गए तो आप विजेता हैं, आप काम करें ना करें ऑन पैसिव उसका प्रमोशन करेगी। लोग भी लगातार प्रमोशंस लगातार कर ही रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हो, हर व्यक्ति ने अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। उनके साथ टीम आई या नहीं आई ये अलग इशू है, मगर उन्होंने प्रचार हमेशा ऑन पैसिव का किया, आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, और लोगों ने अपने ग्रुप भी बनाए हुए, पेज भी बनाए हुए हैं ऑन पैसिव के, उसमें ऑन पैसिव का सोशल मीडिया पर। तो मेहनत तो किसी ने कम नहीं की है, सभी की वैल्यू बराबर है, सबने ऑन पैसिव को प्रचार किया है। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी ऑन पैसिव के साथ गए उसमें उस $97 की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसने खुद को कुछ पाने के लिए, कुछ को आगे बढ़ाने के लिए उसने पूरा भरपूर प्रयास किया, भरपूर सहयोग किया, तब आज ऑन पैसिव एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुँची, एक दिलों से दूसरे दिलों तक पहुँची है। आज ऑन पैसिव भी लैंड कर चुका है चंद्रयान 3 की तरह हम लोगों के बीच में, बहुत जल्दी उसके फोटोग्राफ्स और रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे चंद्रयान मिशन के इक्विवेलेंट हम लोगों के लिए आज ऑन पैसिव बना हुआ है। ऑन पैसिव भी किसी लैंडिंग से कम नहीं है, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया और आप लोगों के बीच आके बस अब कमीशंस आने बाकी हैं और आपका 143 आपको पेड करना बाकी है। चंद्रयान की सफलता के बाद अब ऑन पैसिव के सभी फाउंडर्स की निगाहें ऑन पैसिव के वॉलेट पर हैं कि कब हमारा वॉलेट ग्रीन होगा, कब हमारे वॉलेट में ये सब चीज़ें आएंगी, कब कौन सी तारीख हम लोगों को मिलने वाली है। विदिन ए वीक बहुत कुछ होने की बात है, विदिन ए 2 वीक्स होने की बात थी। लगातार हम लोग वीक सप्ताह टू सप्ताह आगे बढ़ रहे हैं, लगातार टॉप टू टॉप आगे बढ़ रहे हैं। दीपावली भी आने वाली है और हमारा जो वर्ल्ड कप है वो भी आने वाला, उस पर भी निगाहें ऑन पैसिव की, और उस पर भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। जितना प्रचार प्रसार होगा ऑन पैसिव का इस फील्ड में, उससे ही ज़्यादा लोग हमारी ऑन पैसिव पे विजिट करेंगे, और जब ऑन पैसिव पे विजिटर्स बढ़ेंगे तो ये सारे फाउंडर्स को बहुत मजबूती प्रदान करने वाले, एक एक $97 की वैल्यू आपको आगे पता चलेगी जब पूरी तरीके से ऑन पैसिव लैंड हो जाएगा और उसके रिजल्ट और उसके परिणाम जैसे आप लोगों ने सोचे और वो आने शुरू हो जाएंगे, तब आप 360 की तरह 360 चेंज आपके अंदर आएगा, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके रहन सहन में चेंज आएगा। और ऐसर हमेशा यही कहते हैं कि आप ऑन पैसिव के साथ बने रहिए और स्टे करिए, रहिए, खुद को ट्यून करिए ऑन पैसिव के साथ। ऑन पैसिव आपके लिए बनाए, ऑन पैसिव आपके लिए काम कर रहा है, आपकी सोच के अनुसार काम कर रहा है। हाँ, कुछ हर्डल्स आती हैं उसको रेक्टिफाई किया जाता है, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, मगर ये सभी के सभी कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के पार्ट हैं, वो अपने अपने रूप में इसको प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसा ही एक बार ऑन पैसिव टीम चैंपियन के वेबिनार में डिल्लन सर ने भी कहा था कि जो नेगेटिव लोग हैं वो भी ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव है वो भी ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी संगठन में हैं, अगर उस संगठन में कुछ चीज़ों की डिमांड करनी होती है तो आपको प्रोटेस्ट करना होता है, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बीच में जो हैशटैग आज चल रहा है कि स्टैंड फॉर सिंगल आईडी, ये भी एक नज़रिया है लोगों को हम तक बात पहुंचाने का, ऑन पैसिव तक बात पहुंचाने का, एसर तक बात पहुंचाने का, क्योंकि जो कहा गया है एस ने हमेशा उतना ही किया है। एस ना कम बोलते ना ज़्यादा बोलते हैं, फ्यूचर के प्लान और फ्यूचर के ड्रीम्स जरूर बताते हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। जितना आज तक ड्रीम हम लोगों को दिखाया गया उससे कहीं ज़्यादा ऑन पैसिव ने अभी तक दिया है और करके दिखाया है। आगे भविष्य में भी बिल्कुल ऐसा ही सब होने वाला है कि आपने जितना भी सोचा, जो भी प्लान करके आप आए हैं, आपकी परेशानियां व्यक्तिगत हो सकती हैं, ऑन पैसिव की तरफ से आपको कोई परेशानी भविष्य में आने वाली नहीं है। वर्तमान में आप जितने परेशान हो सकते हैं और कल जो फ्यूचर आपका आने वाला है, आप वर्तमान की परेशानियों को भूल चुके होंगे। ये ज़रूर मैं भी लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ कि ऑन पैसिव का अभी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल, बहुत चीज़ें काम हम लोगों ने देखा नहीं है, सीखा नहीं, समझा नहीं है कि ऑन पैसिव से कितने सोर्सेस से इनकम आने वाली है। कई ज़्यादा सोर्सेस ऑन पैसिव में इनकम के बनने वाले हैं, मैंने लगातार आप लोगों को बताया है।
कि कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली, इनकम ऑन पैसिव को बहुत सोर्सेस से आने वाली, वो समस्त इनकम का प्रॉफिट कंपनी अपने खर्चे निकालने के बाद सबके सब फाउंडर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। आप ये मान करके चलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी, $97 की वैल्यू एक समान होगी। आप सबकी योग्यता पर किसी को कोई संशय नहीं है। आज भी ऑन पैसिव का फाउंडर यदि अपनी पे आ जाए तो हज़ार हज़ार ने लाख लाख एफिलिएट लेकर के ऑन पैसिव के अंदर आ जाएगा। कसमाकश कब तक है, संशय कब तक है, जब तक कि हमारा पे पैकेज प्लान और पेइंग स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। क्या मिलने वाला है फाउंडर्स को, इसकी मेहनत का फल क्या बनने वाला है, एंड $97 की वैल्यू के अगेंस्ट अभी क्या मिलने वाला, कल क्या मिलेगा, ये अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से मुट्ठी बंद है और वो पूरी बंद मुट्ठी एस सर के हाथ में है। अभी हल्की फुल्की दो चार चीज़ें आई हैं आपके सामने और उसी से ही पूरी ऑन पैसिव में खलबली मची हुई है कि जो पुराने उनको क्या मिला, जो नए हैं उनको क्या मिला, जिनकी टीम है उनको क्या मिलेगा, जिनकी टीम नहीं है उनको क्या मिलेगा। अभी इसमें लगता है एक तरीके का गृह युद्ध सा छिड़ चुका है। वो दिन दूर नहीं है, जैसे हमारे पे पैकेज प्लान आ जाएंगे ये सारा संशय दूर हो जाएगा और हम सब ट्यून हो चुके हैं।